तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि पेयरिंग और अनपेयर कैसे करते हैं। जैसे कि इस वीडियो में मैं फायरिंग सिस्टम का AN12 मॉडल दिखा रहा हूँ। AN12 मॉडल नंबर है। इसमें क्या रहता है, ये 12 रिसीवर रहते हैं, जैसे कि देख रहे हैं। इसमें 6 ऊपर दिख रहे हैं, इसके नीचे में 6 हैं, देखिए इस तरह से ये है। और इसको पेयरिंग और अनपेयर कैसे करना, जैसे कि आप रिमोट देख रहे हैं, जो ये 12 चैनल वाला सिस्टम है उसके साथ में जो रिमोट आता है उसमें 9 वोल्ट वाली बैटरी लगती है और एक ही रिमोट इसके साथ में आता है। पर जो रिसीवर रहता है उसमें 1.5 वोल्ट की 4 बैटरी लगती है, मतलब 6 वोल्ट का सिस्टम रहता है ये। तो इसको पेयर कैसे करना और अनपेयर कैसे करना, इसमें मैंने बैटरी लगा दिया है। देखिए अभी मैं जैसे यहाँ पे एक स्विच है, तो स्विच को ऑन करूँगा तो यहाँ 2 इंडिकेशन आ जाएंगे। तो एक नंबर का मैंने निकाल दिया, उसके बाद में ये 12 नंबर का है, मतलब 12 नंबर सिस्टम वाला, ये 12 नंबर का है। इसमें मैंने बैटरी लगा दिया है। बैटरी लगाने के बाद इसको भी मैं ऑन कर देता हूँ। देखिए ऑन कर दिया, अभी इसको मैं साइड में रख देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अभी जैसे मैं एक नंबर के बटन को प्रेस करूँगा तो एक नंबर एक्टिवेट हो गया, और 12 नंबर के बटन को प्रेस करूँगा तो 12 नंबर एक्टिवेट हो गया। पर मुझे दोनों एक साथ एक्टिवेट करना है, तो इस रिमोट में ऑल की बटन नहीं है, तो इस कंडीशन में इसको पेयरिंग करना है। तो पेयरिंग कैसे करना फ्रेंड्स, आप पीछे में देखोगे तो ये जो पीछे में ये जो बैटरी पैक है फ्रेंड्स, से पीछे में देखोगे तो यहाँ एक छेद है, तो छेद के अंदर में एक डीप स्विच रहती है, जो कि प्रेस करने पर ये न्यूट्रल पोजीशन में आ जाता है। जैसे ये कोई भी निडल लेना है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये तार है, तो ये तार से इसमें प्रेस करना है। देखिए मैंने इसको प्रेस कर दिया, जैसे प्रेस कर देने पर क्या हो गया, ये ब्लिंक हो रहा है। तो ब्लिंक होने से मतलब ये न्यूट्रल हो गया। तो जिस नंबर पर मैं इसको पेयरिंग करना चाहता हूँ उस नंबर पर पेयर हो जाएगा। तो एक नंबर दबाता हूँ मैं, तो देखिए एक नंबर पर पेयर हो गया, अभी इसका ब्लिंकिंग बंद हो गया। तो ये एक नंबर दबा दिया मैंने, तो देखिए एक नंबर पे ये दोनों एक्टिवेट हो गए हैं। अभी मैं 12 नंबर, इसका नंबर एक्चुअली 12 था, तो मैं 12 नंबर पे दबा देता हूँ तो 12 नंबर पे कुछ नहीं होगा, और एक नंबर पे ये एक्टिवेट हो गया है। ये 12 नंबर दबाता तो 12 नंबर कुछ नहीं होता, क्योंकि 12 नंबर का मैंने शिफ्ट करके एक नंबर पर लगा दिया। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक नंबर जैसे मैं दबा दूँगा तो दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं पेयरिंग करना। तो पेयरिंग करना एकदम सिंपल है, इसको एज इट इज़ करना है। मतलब ये क्या था, 12 नंबर का मैंने एक नंबर के साथ पेयर किया था, तो सिंपल ये यहाँ से इसको प्रेस करना है। प्रेस करके मैंने दबा दिया तो ये ब्लिंक हो रहा। अभी मैं 12 नंबर की प्रेस स्विच दबा दूंगा, देखिए। तो अभी 12 नंबर की मतलब 12 नंबर की बटन जब मैं प्रेस करूंगा तो ये एक्टिवेट हो जाता है। देखिए 12 ये एक्टिवेट हो गया और एक पे ये एक्टिवेट हो गया। तो इसको बोलते हैं अनपेयर करना, मतलब पेयरिंग किया था और अनपेयर भी करके कर दिया था। तो इसको पहले न्यूट्रल पोजीशन में लाना पड़ता है, उसके बाद में इसको पेयर करना पड़ता है। कोई भी डिजिट किसी भी नंबर पे हम जंप कर सकते हैं, जिस तरह से हमारा कंसेप्ट है। मतलब एक नंबर पे पहले 2 चाहिए, फिर 4 चाहिए, यदि ऑल चाहिए तो हम ऑल पे भी सभी को एक ही स्विच पे कर सकते हैं। तो इस तरह से है ये। तो इसी को बोलते हैं पेयरिंग करना और इसी को बोलते हैं अनपेयर करना, इसको दूसरी भाषा में प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। तो ये वीडियो से मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स, ये जो सिस्टम है 12 चैनल वाला, जिसमें 1.5 वोल्ट की बैटरी लगती है, ये यूनिवर्सल सिस्टम है, जो पायरोज में, बलून कंसेप्ट में, हीटिंग फ्यूज़ में, पेपर शॉट में, ब्लास्टर में और स्मोक में, सभी में काम में आता है। ज़बरदस्त सिस्टम है। और ये जो इसके अंदर जो बैटरी है, ये कम से कम 1 साल तक चलती है। यदि आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। लिंक पर जैसे आप क्लिक करोगे तो मेरे व्हाट्सएप पर वो जंप हो जाएगा और आपको हमारे यहाँ मिलने वाले सभी प्रोडक्ट आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे और आप वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में कुछ भी डाउट्स है या आपके सुझाव है तो कमेंट्स में मुझे लिखिए, मैं उसका आंसर दूंगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।